को हम फिर से इकट्ठा हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, और एक खूबसूरत दिन हमें दिया है परमेश्वर ने। आइए हम आज की सभा, जो हमारी फादर्स ऑफ चर्च की ऑनलाइन सभा है, हम जहाँ पर भी अपने घरों पर बैठकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, और इस समय हम अपनी आँखों को बंद करेंगे कुछ पल के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अब हमारे साथ हो परमेश्वर, प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाला है परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा है परमेश्वर, हमारे परिवारों को भी सुरक्षित रखा है, और आपने हमें कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और ये आज का खूबसूरत दिन है, आपका विश्राम दिन परमेश्वर, आपके भवन में परमेश्वर आते हैं प्रभु जी एक मन होकर प्रभु जी, और अपने मनों को तैयार करते हैं कि हम तेरे उस वेदी पर अपनी स्तुति और आराधना की भेंट चढ़ा सकें। आइए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए इस समय, और हम इस समय आपको स्तुति और आराधना की भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद देते हैं, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम सबने कहा आमेन, आमेन। वो कभी नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं त्यागता है, वादों का सच्चा परमेश्वर है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो अल्फा ओमेगा है, शुरुआत और अंत है, वो अल्फा ओमेगा है, शुरुआत और अंत है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग छोड़ेगा, वो अच्छा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, यीशु मसीह को हमने पहने हुआ है, और वही हमारी ताकत है, ये हमें कभी नहीं भूलना है। दुनिया की सारी हुकूमतें जो है यीशु मसीह के अधीन है, शैतान कितना भी चला क्यों ना हो, लेकिन वो हार चुका है। आइए आज की सुबह हम मिलकर इस गीत को आनंद के साथ गाकर हम जय जयकार करेंगे उस परमेश्वर की, और ऐलान करेंगे कि वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है। हालेलुया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, कभी नहीं
परमेश्वर बादल का खम्बा बनकर इसराइलियों के साथ भी चला, मूसा के साथ भी चला, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। आइए उस खुदा की हम आराधना करेंगे। परमेश्वर सब संकटों में हमारे साथ है, सुख में दुख में हमेशा हमारे संग संग चलता है, बादल का खम्बा बनकर हमारे साथ साथ चलता है। आइए उसकी आराधना करेंगे मिलकर। आराधना आराधना प्यारे यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना प्यारे यीशु तेरी आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना प्यारे यीशु तेरी आराधना, ओ आराधना आराधना प्यारे यीशु तेरी आराधना। जीवित बलि तेरी आराधना, जीवन जल तेरी आराधना, जीवित बलि तेरी आराधना, जीवन जल तेरी आराधना, आसमानी पिता तेरी आराधना, मेरे मसीहा तेरी आराधना, आसमानी पिता तेरी आराधना, मेरे मसीहा तेरी आराधना, आराधना आराधना प्यारे यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना प्यारे यीशु तेरी आराधना। सुबह के समय धन्यवाद तेरी आराधना हो परमेश्वर, हमारे जीवनों से तेरी आराधना हो परमेश्वर। आपने हर दिन हमें राह दिखाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम मिलकर उस खुदा को धन्यवाद देंगे, वो परमेश्वर जो हमेशा हमें राह दिखाता है, सही राह दिखाया, बादल का खंभा होकर हमारे साथ चला। उतरी एक परमेश्वर है, जीवित बलि जीवन जल वही है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम सब मिलकर इस समय हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरा नाम ऊंचा रहे परमेश्वर, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन एक बार फिर से आपका स्वागत है फादर्स हाउस में।
आई एम सो हैप्पी कि हम फिर से एक बार मिल पा रहे हैं इस तरह से. कितनी खुशी की बात है कि हम इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं हर संडे और हम मिल सकते हैं. आई एम वेटिंग ईगली कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म हो और हम फिर से चर्च में मिल सकें. लेकिन ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज है जो हम पहले हमने कभी किया नहीं और अब हम कर रहे हैं. सो प्रेज गॉड इन एवरीथिंग. हर चीज़ में प्रभु की स्तुति हो. वो हमको महिमा से महिमा में लेके जा रहा है. हर जो चीज़ हमारे विरुद्ध चल रही है परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा हमारी भलाई के लिए, हमारी उन्नति के लिए. दैट्स इज प्रॉमिस टू अस. और ये वायदा हमेशा हमारे दिल में बसा होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो भी हमारे हालात क्यों ना हो, लेकिन जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है रोमियो के 8:28 में कि सब चीज़ें मिलकर तुम्हारी भलाई ही उत्पन्न करती हैं. और ख़ास तौर से हमारे लिए बिकॉज क्योंकि हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं और वो हमसे मोहब्बत करता है. इसलिए तो आज की सुबह फिर से हम एक बार साथ में हैं और परमेश्वर के वचन में जाएंगे. अपनी बाइबल निकालना, अपने हाथों में लेना, थोड़ा सा ऊंचा उठाना और मेरे पीछे पीछे बोलना, ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है, वचन सच्चा है, वचन अच्छा है, वचन मेरे लिए है, इसमें सामर्थ है, ये जिंदा है, ये जीवन को बदलता है. मैं यहाँ बदलने के लिए आया हूँ और मैं बदल कर ही जाऊँगा. कितना अच्छा ऐलान है ये. जो हम ऐलान करते हैं हमारे खुद के बारे में वो पूरा होगा. हमें विश्वास होना चाहिए कि मृत्यु और ज़िंदगी हमारे ज़बान में है, जैसा कि बाइबल कहती है हमसे. और हमेशा हमें ऐसी बातों का ऐलान करना चाहिए जो हम चाहते हैं देखना हमारे जीवन में. अगर हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना में बढ़ें और हम आत्मा में हम बढ़ें, तो हमारा ऐलान रोज़ का ये होना चाहिए कि मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे वचन से बहुत लगाव है, मैं बार बार वचन को पढ़ता हूँ, मैं लगातार वचन को पढ़ता रहता हूँ, मैं सुबह शाम दिन रात वचन को पढ़ता हूँ, मैं बाहर आते जाते वक्त मैं वचन के बारे में सोचता रहता हूं. और जब ये बातें हम लगातार इसका ऐलान करते हैं, जो हम ऐलान कर रहे हैं वो बातें हमारे मन में जा रही हैं, हमारे दिमाग में बस रही हैं, हमारी सोच बदल रही है, हमारा खुद को पहचानने का तरीका, नजरिया बदल रहा है. और जैसा इंसान मन में सोचता है वैसा ही वो है, ऐसा बाइबल कहती है हमसे. सो, आप ऐलान कीजिएगा उन बातों का, अच्छी बातों का जो वचन के अनुसार है, और आप देखना कैसे ये बातें आपके जीवन में पूरी होंगी. सो प्रेज गॉड, एक और दिन हमारे पास में है और हम जल्दी से वचन में जाएंगे. और आज मैं चाहता हूँ कि हम लूका की किताब में जाएं और लूक 24वें अध्याय में जाएं. हमने पिछले दो संडे से हम देख रहे हैं, पहले पिछले संडे पाम संडे था, उसके बाद में गुड फ्राइडे आया, फिर ईस्टर आया, और अब पुनरुत्थान का दिन जा चुका है और हम उसके थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं. तुरंत पुनरुत्थान के तुरंत बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा एक झलक वहाँ पे देखेंगे. और हम एक ये इमाउस के रास्ते पे जाएंगे. इमाउस नाम का एक विलेज है, एक गांव है, जो यरूशलेम से करीब 11 किलोमीटर दूर है. और यहाँ पर कुछ लोग, कुछ चेले इस राह पे चल रहे हैं, ये यरूशलेम से इमाउस जा रहे हैं, और जाते जाते कुछ बातें कर रहे हैं आपस में. और ये वचन, ये पैसेज जो है आपको मिलेगा लूका की किताब उसके 24वें अध्याय में. और ये पैसेज जो है 13वें वचन से शुरू होता है. मैं पढ़ूंगा, आप सुनना इसे, और परमेश्वर इस पैसेज के द्वारा कुछ हमसे बात करने जा रहे हैं. और हम सुनेंगे उनकी बातों को कि क्या आवाज़ परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है हमसे आज. सो बहुत बहुत सारे सबक हैं सीखने के लिए इमाउस के रास्ते पर. तो क्या आप तैयार हैं इमाउस के रास्ते पर निकलने के लिए मेरे साथ में? अपनी बाइबल खोलिए जल्दी से, 24वां अध्याय लूका का सुसमाचार, और हम 13वें वचन से पढ़ रहा हूँ. मैं फॉलो करना अपनी किताब में, अपनी बाइबल में. एंड इट सेज ओवर हियर 13th वर्स से, उसी दिन उनमें से दो जन, उनमें से यानी कि चेलों में से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था. वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे. ये इन सब बातों में से जो हुई थी, मतलब जो यीशु मसीह को मारा गया था, गाड़ा गया था, सूली पर चढ़ा दिया, फिर तो गाड़ा गया था, ये सारी बातों की बात चल रही है यहाँ पे. वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे. और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आँखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके. और यीशु ने उनसे पूछा, ये साथ साथ चल रहे हैं अभी ये, और यीशु ने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए. और ये सुनकर उनमें से एक क्लियोपस नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है?
उसने उनसे पूछा कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरे दिन है आज। तो कुछ पल के लिए यहाँ पर रुकते हैं, एमोस के रास्ते पर थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 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 लिखा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोग हैं, दो चेले हैं जो जा रहे हैं, क्लियोपस नाम का एक है उनमें से, और ये जा रहे हैं एमोस की तरफ। एमोस मैंने बताया आपको 11 साढ़े 11 किलोमीटर का रास्ता है। मान लो कि आप बांद्रा से शुरू करते हो तो आप जोगेश्वरी तक जाओगे तो 11 किलोमीटर आपके पूरे हो जाएंगे शायद। सो ये चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं वहाँ पे, और चलते चलते बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें बीती हैं। यीशु को उसको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, उसको मारा गया, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, कितना बुरा हाल हुआ उसका, और उसने प्राण त्याग दिए अपने और फिर उसको गाड़ा गया, और ये सब चीज़ों की चर्चा वो कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है। और यीशु मसीह आके उनके साथ में चलना शुरू कर देता है, और यीशु साथ में चल रहा है। ये लोग यीशु की ही बात कर रहे हैं पर यीशु को पहचान नहीं रहे हैं कि यीशु है। और यहाँ पर लिखा है कि परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि वो उसे पहचान न सके। और जब हम कह रहे हैं कि आंखें बंद कर दी गई थीं तो किसने बंद कर दी थी उनकी आंखें? कौन है जो उनकी आंखें बंद कर देगा कि यीशु को पहचान न सकें? अगर यीशु चाहता है कि आप उसको पहचानो तो कोई आपकी आंखें बंद नहीं कर सकता, यीशु आंखें खोल सकता है आपकी। लेकिन जब यहाँ पे लिखा है परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके, तो ये परमेश्वर ने खुद ने उनकी आंखें बंद की थी, खुद ने आंखें बंद की थी। आप बोलोगे क्यों बंद की थी? हम उसको डिस्कस करेंगे, जैसे हम थोड़ा वॉक ले रहे हैं इन लोगों के साथ में, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, क्यों हमारी आंखें बंद कर देता है, कुछ कुछ रहस्य हमको नहीं देखने देता है, ऐसा क्यों होता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। परंतु उनकी आंखें बंद कर दी गई थी और यीशु साथ में चल रहे हैं और वो और यीशु खुद उनसे पूछ रहे हैं कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, जो तुम आपस में चलते चलते तुम क्या क्या बातें कर रहे हो तुम? और ये लोग उनको जवाब भी दे रहे हैं कि क्या तुम जानते नहीं हो क्या हुआ है, क्या तुम एक ही परदेसी हो यहाँ पर, और ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह है। लेकिन ये चिंतित लोग हैं। और मैं आपको पहली बात जो आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की इस छोटे से वाक्य से, आप जहाँ पर भी हैं अपनी ज़िंदगी में इस वक्त, आप जहाँ से भी बाहर निकले हैं, जो भी चीज़ से आप बाहर निकले हैं और जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ ये हैं यहाँ पर दो चेले जो यरूशलेम से निकल कर एमोस की ओर जा रहे हैं। मुझे पता नहीं आप कहाँ से निकल रहे हो और कहाँ पर जा रहे हो आपके जीवन में, लेकिन जो भी आप कर रहे हो, जिस उलझन से आप बाहर निकल रहे हो, जिस समस्या से बाहर निकल रहे हो, जिन रिश्तों से आप बाहर निकल रहे हो, और जिन चीज़ों में आप जाना चाहते हो, जो उद्देश्य आपने बनाया है खुद के लिए, और जो आपने दर्शन देखा है खुद के लिए, और जिसकी ओर आप बढ़ रहे हो, नया मकाम आपने चुन लिया अपना खुद का और उसमें आप जा रहे हो, एक नया रिश्ता आप कायम कर रहे होंगे शायद, हर चीज़ में यीशु आपके साथ साथ चलना चाहते हैं, यीशु आपके साथ साथ चलना चाहते हैं। और कितनी खुशी की बात है कि आपके परमेश्वर है, उसको इंटरेस्ट है आप में। ये चेले एमोस की ओर जा रहे हैं और परमेश्वर, ये यीशु मसीह है, इसको अभी अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने पकड़ के मारा है। 3 दिन ही हुए, यहाँ पे लिखा है चेले कह रहे हैं तीसरा ही दिन हुआ है आज, ये तीसरा दिन हुआ है, वो मुर्दों में से जी उठाए, मरियम को दिखाए, औरतों को दिखाए, उनको बोला जाओ चेलों को बताओ, और फिर क्या कर रहे हैं यीशु मसीह? ये दो चेलों से मिल रहे हैं जो एमोस के रास्ते पर जा रहे हैं। कितनी अजीब बात है ये, क्यों ना ये यीशु मसीह उठ के जाते बोलते हैं मैं पिलातुस से मिल के आता हूँ। बोलते हेलो पिलातुस, देखो तूने मुझे मार दिया था, देख अब मैं जिंदा हूँ वापस से, क्या बोलता है अभी, अब बात कर। क्यों ना ये यीशु मसीह जाकर कैफस को मिलता, कैफस तुझे क्या लगा सारा किस्सा खत्म हो गया था, अब बात कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, देख मेरे हाथों में वही कील के निशान है, मैं वही यीशु नासरी हूँ, अब क्या बोलता है कैफस तू? और कैफस थर थर कांपने लगता है, शायद उसके प्राण निकल जाते हैं उसके अंदर से। लेकिन यीशु ये सब कुछ नहीं करता है, उसे बदला नहीं लेना है किसी से, उसको किसी को कुछ नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं, समझाना नहीं है, वो इन दो चेलों के बारे में चिंतित है। दो चेले, इनके नाम भी, एक का नाम क्लियोफस है, दूसरे का नाम भी नहीं पता है वो क्या नाम है उसका, पर ये दो चले जा रहे हैं यहाँ पे, और यीशु बोलता है मैं इनसे मिलूँगा। ये दोनों परेशान हैं, ये उदास हैं, और ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ, हमारा गुरु कहाँ चला गया। यानी कि जाहिर बात है ये चेले जानते थे यीशु मसीह को कि कौन है, ये किसने कई चिन्ह चमत्कार भी देखे होंगे यीशु को करते हुए, कई शिक्षाएं जो यीशु ने दिए लोगों को इन लोगों ने ज़रूर सुनी होंगी, और ये दिल से चाहते होंगे यीशु को जो उदास हो रहे हैं। और यीशु कहता है मैं तुमसे मिलने आऊँगा,
मैं तुमसे मिलने आऊँगा। ये यरूशलेम छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं मुझे पता नहीं है, और कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मौस वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हम कई बार कुछ चीज़ों से बाहर निकलते हैं और कहीं पर जा रहे होते हैं, और जब हम उदास होते हैं तो हम कुछ छोड़ के आते हैं पीछे, छोड़ने की कोशिश करते हैं, हम कोई नई चीज़ में जाने की कोशिश करते हैं। कई बार जब हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हम तुरंत एक नया रिश्ता खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे सुख में तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों एक डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, दोनों के दिल भारी हैं, और जब हमारा दिल भारी होता है हम भी खोजते हैं किसी को, किसी से जाके मिलें, किसी जाके बात करें और उसको अपने दिल का हाल बताएं। और यहाँ पर यीशु आ रहा है, बोल रहा है मुझसे बात करो, मुझको बताओ क्या हुआ है। क्या यीशु जानता नहीं है क्या हुआ है? ऑफकोर्स वो जानता है, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, यीशु को मालूम है क्या बात कर रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी वो सुनना चाहता है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं प्रभु मेरा हाल तुझको दिखता नहीं है क्या? तो प्रभु बोलते हैं मुझे दिखता है तेरा हाल, लेकिन तेरा हाल क्या है मुझे बता तो सही। वो सुनना चाहता है हमसे कई बार, कई बार वो सुनना चाहता है कि क्या है वो चीज़ जो हमें अंदर से जो परेशान कर रही है, क्या है हमारे बोझ, क्या है हमारा। और फिर वो खास तौर से तब आता है जब हम एक दूसरे के ऊपर अपना बोझ डाल रहे होते हैं। ज़रा सोचते हैं रुक करके, हम जो जिस चीज़ को लेके हम दुखी हैं, हम ढूंढते हैं किसी को और फिर हमारा दुख जाके उसके ऊपर लाद देते हैं। और यीशु कह रहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो तुम्हें विश्राम नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता है, जो मैं दे सकता हूँ वो कोई नहीं दे सकता है। वो बुला रहा है हमें, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ। तुम किस बात को लेकर के दुखी हो, तुम किस चीज़ को लेकर परेशान हो, वो कौन सा सपना तुम्हारा है जो टूट चुका है, वो कौन सा ख्वाब तुम्हारा था जो पूरा नहीं हो रहा है, वो कौन सी आशा तुम लेके चले थे जहाँ तुमको धोखा हुआ है, वो क्या उम्मीद थी तुम्हारे अंदर जो टूट चुकी है। वो कह रहा है मैं हूँ मौजूद तुम्हारे लिए, मेरे पास आओ, मुझको बताओ तुम्हारे दिल का हाल क्या है। दोनों चेले बोलते हैं तुझे पता नहीं है क्या, क्या तू एक अकेला परदेसी है, तू जानता नहीं है। यीशु मसीह जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं। लेकिन पहली बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को यही कि यीशु कह रहा है क्या तू मुझसे शेयर नहीं करेगा, जो तूने देखा है जो तूने सुना है, जो चीज़ें तेरे दिल में हलचल पैदा कर रही हैं, तुझे परेशान कर रही हैं, क्या तू अपना बोझ मुझको नहीं देगा? ये उनका सवाल है। एंड वी मस्ट टेक इट सीरियसली, हमें सोचना चाहिए इस सवाल के बारे में। ये इमोस का रास्ता हमें यह सिखाता है, पहली चीज़ जिस चीज़ से तुम बाहर निकल रहे हो और जिसमें भी तुम जा रहे हो, यीशु तुम्हारे साथ चलना चाहता है, ये मत भूलना, यीशु तुम्हारे साथ चलना चाहता है। दूसरी बात हम देखेंगे 21वें वचन में, देखेगा आपको ये 21st वर्स हमसे कहता है, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हें समस्या क्या है तुम्हारी, क्या डिस्कस कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, कुछ औरतों ने ये भी बोला कि वो जिंदा हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, उसकी लाश भी नहीं है कब्र में, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि यीशु हमें छुटकारा देगा, इज़राइल को छुटकारा देगा, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। अब बहुत पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि इज़राइल का राजा आएगा, और सब इंतज़ार में थे कि एक मसीहा आएगा, एक राजा आएगा, और ये वो समय था जब इज़राइल देश के ऊपर रोम का कब्ज़ा था। रोम एक बहुत बड़ा देश, एक बहुत पावरफुल देश था उस समय, और पूरी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा कर रहा था। बहुत बड़ी सेनाएं थी उनके पास में, बहुत सारे रथ और बहुत सारे सैनिक थे उनके पास में, और एक आर्मी को कंट्रोल करने का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था उनके पास में। उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग था, और बड़े कड़क लोग थे वो लोग, और उनके गवर्नर्स हर जगह फैले हुए थे। यहाँ पर पिलातुस था उनका जेरूसलम में, और इसराइल उस समय रोम के वश में था, उसके कब्ज़े में था। सारे जो यहूदी थे उनको ऐसा लगता था कि ये जो भविष्यवाणी है कि मसीहा आएगा, तो ये मसीहा जब आएगा तो हमें बस ये रोम के राज्य से हमको छुटकारा देगा। वो शारीरिक दायरे में सोच रहे हैं, वो जो उनकी समस्या है उसी के बारे में सोच रहे हैं, उनको और कुछ नहीं दिखता, उनको ये दिखता है हमारी तकलीफ क्या है। हमारी तकलीफ आज ये है कि हम पर कोई ऐसा आदमी राज कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, उसका राज हमें पसंद नहीं है, हमको आज़ादी चाहिए, और वो चाह रहे हैं कि इसका राज्य निकल जाए, लेकिन
परमेश्वर वो नहीं सोच रहा है, परमेश्वर कुछ और किसी और चीज़ की बात कर रहा है। और यहाँ पर ये अपने ही दायरे में सोच रहे हैं, अपने ही चीज़ों में फंसे हुए हैं। इनको लग रहा है हमारा राजा आएगा और रोम से हमको छुटकारा देगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो लोग यकीन भी नहीं कर सके। जब यीशु ने कहा कि मैं मसीहा हूँ, कौन उसकी बातों का विश्वास करता, तू तो सुतार का बेटा है, तू क्या हमें तू रोम के राज्य से क्या मुक्त करेगा, यकीन नहीं कर पाया उसकी बातों पर। ढोंगी समझते थे उसको, आज तक ये समस्या है उनकी, यहूदियों की। लेकिन परमेश्वर ने कुछ कार्य कुछ इस तरह से किया है, उसने अपनी योजनाएं कुछ ऐसी बनाई हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं। हम जाने इस बात को कि परमेश्वर एक बड़ा चित्र बना रहा है, एक बड़ी कहानी लिख रहा है, और हमारा जो रोल है इस कहानी में और जो हमारा रोल है इस चित्र में वो बहुत छोटा सा है। इतना सा हमारा रोल है और हम उसको हमारी दुनिया समझ लेते हैं, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है अगर परमेश्वर की नज़र से देखेंगे तो। और परमेश्वर इतना बड़ा योजना, मास्टर प्लान है परमेश्वर के पास में बड़ा, और वो अपने मास्टर प्लान को पूरा कर रहा है। और जब चेले सोचते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है परमेश्वर, और ये हमारा जो मसीहा है ये हमको छुटकारा देगा रोम से, परमेश्वर कुछ और ही सोच रहा है। वो तो रोम का इस्तेमाल कर रहा है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ये सोच रहे कि पिलातुस हट जाएगा यहाँ से गवर्नर, और परमेश्वर बोल रहा है मुझे पिलातुस की ज़रूरत है, क्योंकि पिलातुस ही है जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएगा, पिलातुस ही है जो उसकी आज्ञा देगा। अगर वो आज्ञा नहीं देगा तो कौन चढ़ाएगा उसको क्रूस पर? परमेश्वर पिलातुस का इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर बरब्बस का इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर कैफस का इस्तेमाल कर रहा है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। आप बोलोगे परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? कि परमेश्वर है, उसके काम करने का तरीका फर्क है। वो कहता है तेरी सोच मेरी सोच नहीं है, तेरे रास्ते मेरे रास्ते नहीं है। उसकी सोच फर्क है, हमारी सोच फर्क है। हम इतना सा चित्र देख रहे हैं, वो इतनी बड़ी पेंटिंग बना रहा है। उसके काम करने का तरीका फर्क है। अगर आप देखेंगे यरमाया की किताब में, यरमाया 27 वचन अध्याय उसका यरमाया का, और यरमाया की किताब आपको पढ़नी चाहिए, उसमें बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। यरमाया 27 और उसका मैं पढ़ रहा हूँ 6-8 वचन। 6 वचन कहता है, अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। परमेश्वर नबूकदनेस्सर के बारे में कह रहा है कि ये मेरा सेवक है। नबूकदनेस्सर उसका सेवक कैसे हो सकता है? ये एक दुश्मन राजा है जो इज़राइल पे हमला करने जा रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने ही इसको ठहराया है यहाँ पे। ये जो बाहर देश हैं ये इसके अधीन आने वाले हैं, और मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ये मेरा सेवक है। परमेश्वर नबूकदनेस्सर का इस्तेमाल कर रहा है इज़राइल को एक सबक सिखाने के लिए, और ये बुरा सबक नहीं सिखाने के लिए, ये इज़राइल को समझाने के लिए कि देखो जानो मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मेरे अलावा और कोई तुम्हारा परमेश्वर नहीं हो सकता है। और जब जब इज़राइल भटक जाता था, परमेश्वर दुश्मन देश को इजाज़त देता था कि वो इन पे हमला करें, इनके ऊपर हावी हो जाएं, और फिर ये पुकारते और बोलते प्रभु हमको बचा, प्रभु आके बचाता उनको, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उनको सिखाने का और समझाने का कि देख मैं परमेश्वर हूँ, तुझे मेरी ज़रूरत है। परमेश्वर की योजनाएं फ़र्क हैं। यहाँ पर एमोस के रास्ते पर हम देखते हैं कैसे ये चेले परेशान हैं और दुखी हैं। और दुखी क्यों हैं? क्योंकि ये परमेश्वर के रास्तों को समझ नहीं पाए हैं, उसके तरीकों को समझ नहीं पाए। और हम कई बार हम दुखी हो जाते हैं, हमारी नौकरी चली जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। मतलब नौकरी चली गई, इतनी अच्छी नौकरी थी मेरी, ऑफकोर्स तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी थी, और अगर ये नहीं जाती तो तुम वहीं के वहीं रहते, तुम आगे नहीं बढ़ते और तुम परमेश्वर के पूरे चित्र को तुम समझ नहीं पाते। परमेश्वर ने योजना बनाई है तुम्हारे लिए, और उस योजना में कई बार परमेश्वर तुमको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना चाहता है, आपको यरूशलेम से निकाल कर एमोस में डालना चाहता है, लेकिन आप नहीं जाओगे जब तक कोई आपको परेशान नहीं करेगा। और कई बार लोग आते हैं जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और आप उनसे बचने के लिए भागते हो, आप कुछ करते हो, और ये जो करते हो आप, कुछ बदलाव आता है आपके जीवन में, एक चेंज आता है। और कई बार परमेश्वर ये होने देता है तुम्हारे ज़िंदगी में। और कई बार ये जियोग्राफिकल चेंज नहीं होता कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो, लेकिन ये हृदय के अंदर का एक परिवर्तन आता है। कई बार आप थक हार के बोलते हो कि ठीक है जाने दो, जो करता है करने दो इसको, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, परेशान होकर बोल देते हो, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि अब आपके अंदर एक चेंज आना शुरू होता है,
अब आपकी सहनशीलता बढ़नी शुरू होती है। सो इमोस के रास्ते पर दूसरा सबक हम क्या सीख रहे हैं? हम ये जान रहे हैं कि ये कहानी हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की कहानी है। ये परमेश्वर की कहानी है, परमेश्वर सबको अपना अपना रोल दे रहा है। हमें हमारे समझ के या चाहत के अनुसार रोल नहीं मिलने वाला है, वो अपनी समझ से हमको देता है कि तेरा रोल ये है मेरी कहानी में, अपना किरदार निभा मेरी कहानी में। ये परमेश्वर की कहानी है, ये मेरी कहानी नहीं है। उसने लिखा है मेरा रोल, मुझे उस रोल को पूरा करना है, इतना ही है। और जो लोग अधीन रहते हैं परमेश्वर के, अपने रोल को रिसीव कर लेते हैं कि प्रभु मैं हर हाल में संतुष्ट हूँ, जैसे पॉल था, पॉल बोलता मैं हर हाल में मैंने संतुष्ट होना सीख लिया है, अमीरी में गरीबी में। आजकल एक प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल चल रहा है, हम प्रभु हमारे साथ है तो हम अमीर बनेंगे और पैसे आएंगे हमारे पास में। ये धोखा हो रहा है तुम्हें, ये धोखा हो रहा है। कई बार परमेश्वर तुम्हारे पैसों को तुमसे अलग कर देगा, तुम्हें गरीबी में लेके आएगा सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि मैं परमेश्वर हूँ, और जान तेरी गरीबी में भी मैं परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे गरीब रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे अपने चरित्र में मजबूत बने। और कई बार परमेश्वर गरीबी का इस्तेमाल करेगा हमें हमारे चरित्र में मजबूत बनाने के लिए। मुझे कैसे मालूम है कि मैं गरीबी में परमेश्वर की तारीफ करूंगा? अगर गरीबी आएगी नहीं मेरे जीवन में, तो जब गरीबी आएगी मेरे जीवन में, जब पैसे बंद हो जाएंगे मेरे जीवन में, तब जब मैं बेचैन हो जाऊंगा, तब क्या मैं परमेश्वर की तारीफ कर पाऊंगा? और ये इम्तिहान मुझे पास करना है। और फिर परमेश्वर बोलेगा आने दो गरीबी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये गरीबी इसका नाश करने के लिए नहीं है, ये गरीबी इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए है। तो डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप समझ रहे हैं इस बात को? हमें जो सिखाया गया, हमें हम जो सोचते हैं कई बार परमेश्वर के बारे में, सब कुछ वैसा नहीं होता है। एक बैलेंस चाहिए हमें, एक बैलेंस चाहिए हमारी ज़िंदगी में। हमारा परमेश्वर मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि वो ताड़ना नहीं लेके आएगा हमारे जीवन में। ये हमारी कहानी नहीं है, ये परमेश्वर की कहानी है। परमेश्वर लिख रहा है और उसके अनुसार हम इस कहानी में चल रहे हैं। जितनी हमारी अधीनता है उस हिसाब से हमको रोल मिलने वाला है इसमें। हम चाहेंगे मुझे बड़ा रोल मिले, मैं बहुत बड़े बड़े काम करूं, उसके लिए बहुत बड़ी अधीनता चाहिए मेरे अंदर, उसके लिए बहुत ज़्यादा नम्रता चाहिए। नम्र को वो ऊँचा उठाता है और घमंडी को वो नीचे गिराता है। और अगर मैं वाकई में बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए, तो कितनी नम्रता चाहिए मुझको, कितना नम्र होना पड़ेगा मुझको। क्या मैं तैयार भी हूँ? क्या मैं तैयार भी हूँ पिसने के लिए? क्या मैं तैयार भी हूँ कि जब 5 पाखंडी घमंडी मेरे सामने मेरे को घेर लें, तो मैं चुपचाप एक भीगी बिल्ली बन के खड़ा हो रह सकता हूँ उनके सामने? क्या मैं तैयार हूँ उसके लिए? या क्या मैं बोलूँगा, अरे तुम्हें कैसा बोल रहा है, सुन मेरे पास भी जवाब है तेरे लिए, मैं भी तेरे को सुना सकता हूँ 4 बातें। क्या मैं ऐसा बोलूँगा? किस हद तक जाने को तैयार हूँ मैं? और जिस हद तक मैं जाने को तैयार हूँ, जिस हद तक मैं खुद को छोटा करने को तैयार हूँ, उतना ही परमेश्वर मुझको बढ़ाने वाला है। मूसा जो सबसे ज़बरदस्त रहा है, कितने चिन्ह चमत्कार हुए मूसा के द्वारा, इतने बड़ी भीड़ को लेकर के चल रहा है वो, 10-20 लाख लोगों को लेकर के वो उनकी अगुवाई कर रहा है अकेला, और उनको बोल रहा है चलो जाएंगे वाचा के देश में, पीछे पीछे चल रहे हैं लोग, आगे सुन रहे हैं उसकी बातों को सुन रहे हैं। ये इसके बारे में कहते हैं बहुत ही दीन था, इसके जैसा दीन कोई था ही नहीं। जितना दीन, जितना नम्र, उतना उठाएगा परमेश्वर। और हमारी प्रार्थना कुछ ऐसी होनी चाहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं दीनता में चल सकूँ, और फिर इम्तिहान आएंगे हमारे सामने, परमेश्वर तुरंत इम्तिहान भेजेगा। और हमें विश्वास होना चाहिए कि आत्मा हमको बढ़ाएगा, हमें सिखाएगा कि दीनता में कैसे चलना चाहिए। तो दूसरी बात हमने सीखी, कहानी मेरी नहीं, कहानी परमेश्वर की है। पहली बात हमारी थी कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलना चाहता है हमारे हर हालातों में। दूसरी बात, ये कहानी हमारी नहीं है, कहानी उसकी है और उसी के अनुसार पूरी होगी। दो चीज़ें मैंने बताई आपको। तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, और 22 वचन, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों को का दर्शन पाया है, उन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु ने इन चेलों से कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्य वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, डांट रहे हैं एक तरह से यीशु मसीह, बोल रहे हैं हे निर्बुद्धियों और भविष्य वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों,
कितने स्लो तुम समझने के लिए सारी बातें, सब कुछ लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। क्यों तुम्हारी बुद्धि इतनी कमज़ोर क्यों है, क्यों तुम इन बातों को पकड़ नहीं सकते हो। लोग कभी कभी बोलते हैं मुझे बाइबल की बातें समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती हैं, इतना कठिन थोड़ी है ये, क्यों समझ में नहीं आती हैं, क्यों नहीं पढ़ करके थोड़ी देर हम उस पर विचार करेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु मेरी बुद्धि को खोल, मुझे समझा। और क्या वो नहीं समझाएगा? ऑफ कोर्स वो समझाएगा। 26वें वचन में वो कहता है क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। सवाल पूछ रहा है कि क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये अवश्य नहीं था कि मैं मुझे क्रूस पर कुर्बान होना पड़ेगा, क्या ये अवश्य नहीं था, क्या तुम जानते नहीं थे, क्या मैंने तुमको बताया नहीं था ये बात, तुम समझे क्यों नहीं इस बात को, तुम्हारा दिल कहां पर लगा हुआ था, तुम्हारा ध्यान कहां पर था, तुम किन बातों में खोए हुए हो, क्यों परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आती हैं, कहां पर तुम्हारा ध्यान है। अगर परमेश्वर की आवाज़ पर तुम्हारा ध्यान है तो तुम उसकी बात समझ में आएगी, लेकिन अगर तुम खोए हुए हो अपनी शारीरिक चीज़ों में, अपनी शारीरिक दुनिया में, तो उसकी आवाज़ सुनाई भी नहीं देगी तुम्हें, समझ में भी नहीं आएगा कि क्या कह रहा है वो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ पास्टर से बात करता है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ अपने भविष्यद्वक्ताओं से बात करता है या अपने दास से बात करता है, सेवक से। वो जमाना गया, आज परमेश्वर सबसे बात करता है, आज परमेश्वर सबसे बात करता है, तुमसे और मुझसे हर एक से बात करता है, और वो सबसे बात करना चाहता है। एमॉस के रास्ते पर आप देख रहे हो वो सब कुछ छोड़ करके दो चेलों में इंटरेस्टेड है, वो तुम में इंटरेस्टेड है, तुम्हारे साथ चलना चाहता है, वो तुम्हारी बुद्धि को खोलना चाहता है, वो तुम्हारी बुद्धि को खोलना चाहता है वो। एंड देन ही सेज 27वां वचन, वो बोलता है तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करते हुए सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। कहां से लेकर? मूसा से लेकर, यानी कि ये हम निर्गमन से लेकर के उसने पढ़ना शुरू किया बाइबल में से, और उनको साथ में चल रहा है। ये बांद्रा से जा रहे हैं जोगेश्वरी तक, 11 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, यीशु साथ में चल रहे हैं और उनको सुनाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि सुनो अभी मूसा के बारे में तुम सुनो, मैं निर्गमन से बात करना शुरू कर रहा हूं तुमसे, और निर्गमन में मेरे बारे में कहां कहां पर लिखा है मैं तुमको बताता हूं। फिर वो भविष्यद्वक्ताओं में गया वहां से और बोला सुनो अभी यशायाह ने जो जो कहा है मेरे बारे में, सुनो ये कहा था, सुनो अभी भजन संहिता दाऊद ने ये कहा था मेरे बारे में, अब सुनो। ये सब सुनाता हुआ गया उनको जोगेश्वरी तक। क्या आप यीशु के साथ चलोगे 11 किलोमीटर सुनते हुए उसकी बातों को? कितना जस्ट सवाल है हमारे लिए, कितने घंटे बैठेंगे उसके चरणों में? हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, आज का सरमन बहुत लंबा हो गया, बस खत्म इतने में ही। ये तो यीशु को बोल भी नहीं सकते कि बहुत लंबा हो गया, 11 किलोमीटर चलना है, साथ में यीशु है और बोल रहा है, उनको वचन सुना रहा है, निर्गमन से लेकर के ओल्ड टेस्टामेंट। कई बार हम ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम खोलते हैं, बोलते हैं ये क्या पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, क्या करेंगे निर्गमन पढ़ के, क्या करेंगे, वही तो कहानी है। ये कहानी की बात नहीं चल रही है, इन कहानी में छुपा हुआ यीशु मसीह, और यीशु प्रकट कर रहा है खुद को, और यहां पर उसने सुनाना शुरू किया पुराने नियम में से, और लोगों को बता रहा है कि देखो मैं हर जगह था, तुमने पहचाना क्यों नहीं। यहूदी उन दिनों में पुराने नियम को रट लेते थे, पूरा रटा हुआ होता था उनको, और वो रटा हुआ सुनाया करते थे एक दूसरे को, और यीशु कह रहे तुम तो जानते हो सारी बातें, तुम क्या मुझे पहचान नहीं सके इसमें? ये सवाल पूछ रहे हैं, और यही सवाल हमारे सामने भी खड़ा होता है। क्या हम और गहराई में नहीं जाएंगे और यीशु को और जानने की कोशिश नहीं करेंगे? मेरे को बताया जाता हूँ, तीसरी बात जो यहाँ पर सीखने को मिलती है हमें यहाँ पर, और वो ये है कि हमें यीशु मसीह का एक प्रकटीकरण चाहिए, और ये प्रकटीकरण सिर्फ एक बार का प्रकटीकरण नहीं है, ये लगातार चलता हुआ एक ऑन गोइंग रेवलेशन, कि हम कुछ समझ रहे हैं यीशु के बारे में, फिर कुछ और समझ रहे हैं उसके बारे में, फिर थोड़ा और जान रहे हैं उसको, और समझ रहे हैं उसके बारे में, और जितना हम समझेंगे उसके बारे में उतना वो और समझाएगा हमको, और जितना हम बोलेंगे ना नहीं तो पुराने नियम में क्या करना, बाइबल छोड़ो क्या, उतना वो नहीं समझाएगा हमें। आप प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। कुछ सिद्धांत है परमेश्वर के, कुछ सिद्धांत है, आप खटखटाओगे तो खुलेगा आपके लिए, आप नहीं खटखटाओगे तो नहीं खुलने वाला आपके लिए, आप मांगोगे तो आपको मिलेगा वरना नहीं होगा। 1 कुरिन्थियों 10 उसका 3, ये पॉल बात कर रहा है और पुराने नियम का एक झलक दे रहा है हमको। वो कहता है कि और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया,
ये बात कर रहा है मिस्र देश से निकलते हुए इसराइलियों की। ये जो इसराइली लोग थे मिस्र देश में जो थे गुलाम, इसको इनको मूसा लेके जा रहा है बाहर, और जो ये बाहर लेके जा रहा है सामने लाल समुंदर है, लाल समुंदर को फाड़ देता है मूसा परमेश्वर के सामर्थ्य से, और सब लोग क्रॉस करते हैं। और जब क्रॉस कर रहे हैं तो पॉल क्या कह रहा है उसके बारे में, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये जो पानी से गुजर रहे हैं और आगे जब वो चलना शुरू करते हैं, एक बादल उनके ऊपर छाया रहता है हमेशा, एक छाया करने के लिए इनके ऊपर, ताकि धूप में जल न जाए, एक बादल उनके ऊपर हमेशा रहता था। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। फिर तीसरा वचन कहता है, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। और वो चट्टान मसीह था। नाउ कैन यू इमेजिन, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, ये लोग जब प्यासे थे तो मूसा को बोला, मूसा प्यास लग रही है, और मूसा गया परमेश्वर के पास, बोला मैं क्या करूं, इतने सारे लोग हैं, 20 लाख लोग, पानी कैसे पिलाएंगे इनको, अभी कुआं खोदना शुरू भी करेंगे अगर तो क्या, कैसे क्या होगा, बोला नामुमकिन लग रहा है। तो परमेश्वर बोला, डोंट वरी, देख बाहर एक चट्टान है, और ये चट्टान इन लोगों ने पहले देखी भी नहीं होगी कि चट्टान है यहाँ पे, क्योंकि ये चट्टान इनके साथ साथ चल रहा है, बाइबल ऐसा कह रही है हमसे। सो ये बोलता है, एक चट्टान है बाहर, जाओ उस पर लाठी मार और पानी निकलेगा। वो जाके लाठी मारता है, पानी निकलता है, 20 लाख लोग पानी पीते हैं, इतना पानी निकलता है उसमें से, पूरी मतलब नदी बह जाती है उसके अंदर से, और सब लोग पानी पी रहे हैं क्योंकि चट्टान में से पानी निकला है। थोड़ा आगे चल के फिर से इन लोगों को प्यास लगती है, फिर ये बोलते पानी का है, पानी का है, पानी का है, और परमेश्वर बोलते देख मूसा बाहर चट्टान है, चट्टान से जाके बात कर। और तो ये चट्टान आई कैसे, फिर से कहां से आ गई चट्टान ये? तो बाइबल पॉलस कह रहा है, ये चट्टान के साथ साथ चल रहा है, ये कोई सिर्फ चट्टान पत्थर नहीं है, ये यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, ये बाइबल में यीशु मसीह है, इन छोटी छोटी बातों में यीशु मसीह है। उसको तुम्हारी प्यास की चिंता है, यीशु को तुम्हारे राशन की चिंता है, घर में खाना नहीं है कैसे खाएंगे, चलो गांव चलते हैं वापस। अरे क्यों, यीशु तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी चट्टान तुम्हारे साथ में है, वो तुमको छोड़ा नहीं है, वो कभी वो बदलता नहीं है, जैसा वो कल था आज भी है और कल भी रहेगा। That's what the Bible says. यीशु बदलने का नहीं है, तुम्हारी चट्टान तुम्हारे साथ में है। तीन बातें कही हैं मैंने तुमको। सबसे पहली बात ये कही कि यीशु तुम्हारे साथ साथ चलना चाहता है, जैसे भी तुम्हारे हालात, जो भी तुम्हारी परिस्थिति, वो उसमें शामिल होकर तुम्हारे साथ साथ चलना चाहता है। मैं तुमसे दूसरी बात कही यीशु मसीह के बारे में, ये कहानी तुम्हारी नहीं है, ये कहानी यीशु मसीह की है। और फिर हम तीसरी बात पर आए, और वो ये है कि यीशु मसीह का एक हमको प्रकटीकरण चाहिए, ऑन गोइंग, लगातार, रोज, हर पल, हर दिन मसीह के बारे में कुछ नया सीखना है, उसको बोलेंगे तो वो ज़रूर हमको बताएगा। मंदमती नहीं बन के रहना है हमें, बुद्धू बन के नहीं रहना है हमें, हमें स्मार्ट बनना है, हमें और जानना है हमारे परमेश्वर के बारे में, और जानना है स्वर्ग के राज्य के बारे में, कैसा राज्य है ये, क्या होता है यहाँ पर, ये हमारा राज्य है, क्या हम हमारे राज्य के बारे में नहीं जानेंगे? आपका अगर मैं एक बात को बताऊँ कि आपका एक ज़मीन है आपकी कोई गांव में, और आपको एक अंकल ने ज़मीन दी आपके, और आपको पता नहीं ज़मीन के बारे में, पर एक ज़मीन है, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मैं गाँव जाके देख के आता हूँ ज़मीन कैसी है? कोई भी करेगा ऐसा, पहला काम यही करेंगे, सब कुछ छोड़ के जाएंगे वहाँ पे गांव में, देखेंगे भाई ज़मीन कौन सी दिखाओ मुझे, फिर ज़मीन देख के बोलोगे अच्छा अच्छा ये ज़मीन है मेरी, इस पे एक बाउंड्री लगाओ, बाउंड्री लगाओगे, फिर सोचोगे ज़मीन की कीमत कितनी है, ज़मीन कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं है, क्या यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मैं, क्या यहाँ पे खेती हो सकती कि नहीं होती है, क्या मुझे यहाँ पे घर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्या मुझे थोड़ा टुकड़ा बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, कितने सारी थॉट्स आपके चलते रहेंगे, क्योंकि वो आपको जायदाद मिली है वहाँ पे। स्वर्ग का राज्य भी तो आप ही का है, कौन सोचेगा इसके बारे में? हमको सोचना है उसके बारे में। कैसे मालूम पड़ेगा कैसा है? सब बाइबल में लिखा हुआ है, सब बातें बाइबल के अंदर है, और यीशु मसीह साथ में हमारे, उसका आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारा टीचर है। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम खटखटाओगे तो खोला जाएगा, तुम पूछोगे उसको मुझे बता राज्य के बारे में तो बताएगा वो तुमको राज्य के बारे में, क्योंकि वो बताना चाहता है तुमको। वो तुम्हें तुम्हारे एमोस के रास्ते पे तुमको मिलेगा, जहाँ तुम चल रहे हो वहाँ मिलेगा तुमको वो। तुम कन्फ्यूज हो, तुम्हारा कन्फ्यूजन हटाएगा वो, तुम अपने आप को बुद्धू समझते हो वो चेंज कर देगा, वो सब चीज़ें बताएगा, रुक जाए मैं तुझे बताऊँगा गहरी रहस्य की बातें जो तू जानता नहीं था। मांग मुझसे, पूछ मुझसे, क्या मेरे साथ में हो? चौथी बात, आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 28 वचन से पढ़ रहा हूँ मैं। इतने में वे सब
उस गांव के पास पहुंचे जहां वो जा रहे थे, यानी इमाउस के पास पहुंच गए हैं, वो अपने जोगेश्वरी पहुंच गए हैं वो लोग। और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा, यीशु के ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है। मतलब ये लोग जोगेश्वरी पहुंच गए और यीशु आगे निकल रहा है मलाड के लिए, और सब कन्फ्यूज हो, ये क्या कर रहे हो आप। परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, रुक जा, मत जा, हमारे साथ में रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया और वो उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए, वापस 11 किलोमीटर चले गए और जाके उन 11ों को और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे कि प्रभु सच में जी उठा है और शिमोन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। और अ ब्यूटिफुल थिंग दिस इज। चौथी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यीशु पहुँच गया, आपके साथ चल रहा है, लेकिन वो आगे निकल जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। अगर आप उसको नहीं रोकोगे तो नहीं रुकेगा वो। यीशु इनविटेशन से काम करता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आप खटखटाओगे तो खुलेगा, आप मांगोगे तो मिलेगा। आप सोचोगे कि ऐसे ही मेरा जीवन हो जाएगा सब कुछ, मैं थोड़ी आराधना कर लूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। एक रिश्ता चाहिए। सिर्फ चर्च में आके आराधना कूदना ये काफ़ी नहीं है। ये अच्छा है, ये करो इसको, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। वो फुल नाइट प्रेयर ये काफ़ी नहीं है, ये करना चाहिए लेकिन काफ़ी नहीं है। वो कभी कभी बाइबल स्टडी और लाइफ ग्रुप करना ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके अलावा मुझे अकेले बैठना पड़ेगा यीशु के साथ में और मुझे थोड़ा बातचीत करनी पड़ेगी खुद पर्सनली। प्रभु मैं कुछ जानना चाहता हूँ तेरे बारे में, मुझे कुछ बता तेरे बारे में, कुछ कुछ गहराइयों में लेके जा प्रभु। तू ये इमाउस के रास्ते पे चल रहा है, ये मेरे जीवन में कैसे लागू होता है प्रभु मुझे बता। अब परमेश्वर के आत्मा तुमसे बात करना शुरू करेगा। जब तुम इनवाइट करोगे तब बात करना शुरू करेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऐसे इन्वाइट करके भूल मत जाना, प्रभु मुझे बता ये बातों में से क्या लिखा है यहाँ पर, और फिर एक घंटी बजी और चले गए तुम वापस कुछ काम करने के लिए। नहीं होने वाला है ऐसे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको तय करना पड़ेगा, मैं ये एक घंटा तो मैं बिताने वाला हूँ, मेरे को कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला बैठूंगा यहाँ पे एक घंटा, आधा घंटा या पौना घंटा या 10 मिनट, जो भी टाइम है, एक टाइम आपको तय करना पड़ेगा कि अब कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझे कई बार अच्छा लगता है, कभी 3 बजे 4 बजे आँख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आ रही है, वेरी गुड, उठ के बैठता हूँ, प्रभु से बात करना शुरू करता हूँ। और जब प्रभु से बात करना शुरू करता हूँ अच्छा लगता है, बिकॉज शांति है, अभी घर में सब सो रहे हैं, कोई जगा हुआ नहीं है, अब मैं अकेले उससे बात कर सकता हूँ और ढेर सारी बात कर सकता हूँ, और कि बाइबल में कुछ कुछ चीज़ें ढूंढ सकता हूँ, खोज सकता हूँ, और प्रभु नई नई चीज़ें बताता रहता है लगातार। ऐसे ही एक दिन रात को प्रभु ने मुझे ये इमाउस के रास्ते पे क्या 4 बातें हैं, वो 4 बातों की एक झलक दी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत कुछ भरा हुआ है बाइबल में, बहुत सारी बातें हैं राज्य की जो हमें जाननी चाहिए। थोड़ा हम खोजेंगे, थोड़ा हम खोद के निकालेंगे, बहुत सारे खजाने हैं यहाँ पर। तो रुकिएगा मत, शुरू कीजिएगा, अपनी खोज को शुरू कीजिएगा। इमाउस के रास्ते से 4 सबक जो सीखे हैं, इनको अपने जीवन पर लागू कीजिएगा। जानिएगा पहली बात तो कि यीशु आपके साथ साथ चलना चाहते हैं। दूसरी बात, ये कहानी आपकी नहीं है, क्यों इतना दुखी हो रहे हो, ये कहानी यीशु मसीह की है। अगर आपका इस कहानी में बुरा हाल हो रहा है तो कहानी आपकी तो है ही नहीं, पहली बात तो आप सिर्फ एक रोल अदा कर रहे हो इसके अंदर। कहानी यीशु मसीह की है, उनको बुरा लगना चाहिए, कहानी उनकी है। हम क्यों बुरा मान रहे हैं इतना हर चीज़ का? हमारा कुछ ना था ना है, हम जो जी रहे थे अपना जीवन, वो जीवन भी खत्म हो चुका है। यीशु का है वो जीवन, खून से खरीद लिया उसने हमें, हम अपने खुद के तो है ही नहीं, बाइबल कहती है यीशु के हैं। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर के पास ताकत नहीं है मेरी देखभाल करने के लिए? ऑफकोर्स ताकत है उसके पास में, ताकत है। कभी आजमाना उसकी ताकत को, बोला ठीक है प्रभु तू कर ले, तू चला ले मुझको, मेरा राशन खत्म हो रहा है प्रभु, लेकिन मैं बस तेरे पर भरोसा कर रहा हूँ। ट्राई तो करना कभी और देखना, उसकी तारीफ करना हर चीज़ में, वो कभी धोखा नहीं देगा। ये दूसरी बात थी, हमारी कहानी नहीं है, यीशु मसीह की कहानी है। तीसरी बात, मनमती बन के नहीं रहना है हमें, मनमती बन के नहीं रहना है हमें, परमेश्वर का प्रकटीकरण हमें लगातार चाहिए। मांगेंगे तो मिलेगा,
लगातार एक नया प्रकटीकरण, नया प्रकटीकरण, नया प्रकटीकरण, और जानना है मुझे आपके बारे में प्रभु, ये हमको हमें चाहिए। और आखिरी बात, इनवाइट करो यीशु को तो वो आएगा तुम्हारे जीवन में, बिना इनविटेशन वो काम नहीं करने वाला है। तो आप रेडी हो जाइएगा यीशु मसीह के लिए, आपके दिल पे द्वार पे आके खटखटा रहा है और रोज़ खटखटाता है, आप खोलोगे इनवाइट करोगे तो अंदर आएगा। समय बनाइए उसके लिए और रोज़ उसको रोज़ मिलिए, हर पल मिलिए, उठते बैठते चलते फिरते घूमते फिरते जो आप कर रहे हो उसमें वो आपके साथ में हो लेना चाहता है। आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, वो आपके साथ में चलना चाहता है, पूरा आपके घर के अंदर आपसे बात करना चाहता है। आप उससे बात कीजिएगा, बात कीजिएगा उससे। आमीन। ये हमारी चार बातें थी जो प्रभु ने हमको बताई, जो इमोस के रास्ते पर हमें समझ में आती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं। जैसे जैसे प्रभु ने कहा है वैसा वैसा कीजिएगा। सुनने वाले मत बनना, सिर्फ करने वाले बनना, आप बहुत आशीष पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वक्त हम दुआ करेंगे, जैसे हमारे पास्टर ने आज हमको वचन सुनाया, जो वचन में से जो हमने सीखा है आज उन बातों को लेकर के हम दुआ करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका शुक्रगुजार करते हैं आज के वचन के लिए पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये जो हमने सुना है पिता, ये आपके बारे में है पिता परमेश्वर, और आपके बारे में हम और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम और आपकी समझ में, आपकी बुद्धि में बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। जैसे यीशु मसीह हमारे साथ हैं और हमें यीशु मसीह के साथ चलने की ज़रूरत है, हम सब मिलकर चलना चाहते हैं यीशु मसीह के पीछे पिता परमेश्वर। आप इसमें हमारी ताकत दीजिए, आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, और हमें प्रतिकरण दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम और जान सके पिता परमेश्वर, और उसकी गहराई में जा सके पिता परमेश्वर, और हम नया नया प्रतिकरण चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम आपसे पा सके पिता परमेश्वर, और हम आपके बारे में लोगों को बता सके पिता परमेश्वर, आपके बारे में सिखा सके पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर ये आपके बारे में है पिता, और हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं, हम आपके बारे में और करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, जो वचन में से आज हमने आपने सिखाया पिता, हम उसको पूरी तरह से अपने अंदर उतार सके पिता परमेश्वर, और हम आपके पीछे चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें आपके पीछे चलने के लिए सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, ऐसा हम मांगते पिता परमेश्वर, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। ये सब मिलकर कहेंगे यीशु के नाम से, आमीन।